हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है लोअर नोन कोडेटा। और लोअर नोन कोडेटा में आपको एक फाइलम मिलेगा जिसका नाम है प्लेटी हेलमेंथीस। फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस के अंतर्गत आपको एक एनिमल की स्टडी करना होता है जिसका नाम है फेसिओला हेपेटिका। आज हम फेसिओला हेपेटिका के कुछ जनरल इंट्रोडक्शन और इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका डायग्राम भी बनाना सीखेंगे किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक जैसे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम और इसकी कुछ लार्वल स्टेज जैसे कि मेरासीडिया लार्वा, स्पोरोसिस लार्वा, सर्किरिया लार्वा, मेटासर्किरिया लार्वा, ये सब इसकी लाइफ साइकिल के अंतर्गत आने वाली कुछ लार्वल स्टेजेस हैं जिसके बारे में एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फेसिओला हेपेटिका की लाइफ साइकिल को डिस्कस कीजिए, 7.5 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। वहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसकी अलग अलग लार्वल स्टेजेस को अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेटासर्किरिया लार्वा या मेरासीडिया लार्वा, व्हाट इज स्पोरोसिस लार्वा, तो वहां पर आपको बताना होता है। तो आज हम इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे आखिर ये फेसिओला हेपेटिका किस तरीके से, यह क्या है और किस तरीके से डिजीज कॉज करता है, इसकी स्टडी हमें क्यों आवश्यक है। और भी आपको बताया लोअर नोन कोडेटा आपका जो जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो वहां पर प्लेलिस्ट चैनल के अंदर आप जाएं, जैसे ही आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर लोअर नोन कोडेटा। और वहां पर आपको जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब के सब मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम जानते हैं फेसिओला हेपेटिका होता क्या है। तो इसको कॉमनली लीवर फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, शिप लीवर फ्लूक, ठीक है, नॉर्मली इसको शिप लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। और ये फेसिओला हेपेटिका एक एंडोपैरासाइटिक होता है। मतलब एंडोपैरासाइटिक का मतलब ये इंटरनल टिश्यूज, जैसे कि यहाँ पर हम वर्टिब्रेट की बात करें, जैसे ये शिप के अंदर उसके लीवर में रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या इसे हम कहेंगे जो इंटरनल टिश्यूज पर पैरासाइटिक या परजीवी के रूप में अपने जीवन का व्यापन करता है उसी को बोला जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स पर या इंटरनल टिश्यूज में पैरासाइटिक के रूप में रहे उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइटिक। तो एंडोपैरासाइटिक और एक्सोपैरासाइटिक में यही अंतर है कि एक्सोपैरासाइटिक जो होता है वो बाहरी टिश्यूज पर अटैक करता है, जैसे जैसे एक लाउस जो होते हैं वो सब एक एक्सोपैरासाइटिक हो जाएंगे। हमारे हेयर्स के अंदर जो लाउस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोपैरासाइटिक। लेकिन एंडोपैरासाइटिक हम बोलेंगे जो हमारी इंटरनल टिश्यूज के अंदर जो है अपने परजीवी के रूप में रहते हैं या फिर पैरासाइटिक के रूप में। तो उसके बाद ये एक डाइजेनेटिक होता है, मतलब द्विपोषी है। इसे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर फर्स्ट होस्ट होता है जिसको हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, वो होता है कोई वर्टिब्रेट जैसे कि शिप। ठीक है, जैसे कोई भेड़ हो गया या फिर बकरी हो गई, भेड़ बकरी काऊ, ठीक है, जिसको हम गाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो भेड़ बकरी काऊ या कोई मैमल्स, ठीक है, जनरली मैमल्स जिसमें हम भी आ जाते हैं इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स भी उसमें आ सकता है। और उसके बाद हम आपको वहां पर बताएं कि इसका जो प्राइमरी होस्ट वो वर्टिब्रेट और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो इनवर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट में जैसे मोलस्का में पाए जाने वाला स्नेल, ठीक है, अपनी कुछ लार्वल स्टेजेस को ये स्नेल में कंप्लीट करता है, तब जाकर के इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा एनिमल जो कि अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की हेल्प लेता है उसको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक। ठीक है, तो ये एक एंडोपैरासाइटिक है और डाइजेनेटिक है। और उसके बाद हम यहाँ पर बताएं ये एक मोनोसियस होता है जिसको हम हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। मोनोसियस का मतलब ये एक उभयलिंगी होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, लीवर रोट डिजीज कॉज करता है। वर्टिब्रेट के अंदर ये एक लीवर रोट डिजीज कॉज करता है जिसमें पूरा लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है। ठीक है, ये ह्यूमंस में भी इसी तरह से डिजीज कॉज करता है। अच्छा, कोई भी जैसे टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम के द्वारा जो डिजीज कॉज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टीनियसिस। हम एसिस लगा देते हैं उसके नाम के आगे, एसिस लगा देते हैं। इसी तरह से फेसिओला हेपेटिका है तो हम क्या बोलेंगे इसको, फेसिओलोसिस। ठीक है, इसके द्वारा जो डिजीज कॉज होता है उसको हम बोलेंगे फेसिओलोसिस, और टीनिया सोलियम के द्वारा जो डिजीज कॉज होता है उसको बोलते हैं हम टीनियसिस। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट पॉइंट बचता है, जैसे कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बताया कि ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उसके बाद इसका जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसका मेन पॉइंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये एक डाइजेनेटिक है, मतलब कि इसकी अब से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक है, ये एक हर्मोफ्रोडाइटिट है, मतलब उभयलिंगी होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम में फिर से हम के शेप एंड साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखेंगे, इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स निकल कर आती है, इसका जो सेल्स है वो किस तरीके से बना होता है, या फिर इसमें टिश्यूज और क्यूटिकल्स सब इसका जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इसके पार्ट्स आएंगे उसको हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अब हम यहाँ पर फेसियोला हेपेटिका की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत आता है शेप एंड साइज। आखिर फेसियोला हेपेटिका का शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, उसके बाद इसकी बॉडी कैसी किस तरह की होती है, इसमें किस किस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम किसी बाहरी चीज, किसी भी जीव के या प्लांट के बाहरी चीज को स्टडी करते हैं, और जब हम उसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तब इसका मतलब उसके अंदर वाले पार्ट की स्टडी करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है शेप एंड साइज। फेसियोला का अगर आप ध्यान से देखें, आपको शेप किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसकी शेप को देखो और इसकी साइज को देखो, ठीक है, ये इसका माउथ है, ठीक है, ऊपर की तरफ सबसे पहले इसके इसके ऑर्गन्स के बारे में आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ इसका होता है माउथ, ठीक है, और नीचे की तरफ इसका होता है एक्सक्रेटरी पोर, ठीक है, इसको आप एनस भी बोल सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर ये होता है ओरल सकर्स, ठीक है, माउथ के जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे इसको बोला जाता है ओरल सकर्स, जिसे फूड को सक करते हैं। उसके बाद इसको बोलेंगे हम हेड लोब, एंड ये इसको बोलेंगे हम गोनोपोर, ठीक है, इसमें दो तरह के पोर भी प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम गोनोपोर, और ये होता है एसिटाबुलम, ये सेकेंडरी सकर्स होता है, ठीक है, ये तो है शकर, ठीक है, शकर, और ये होता है सेकेंडरी सकर, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, लेकिन ये शक करने का कार्य नहीं करता, ये जो है चिपकने, बॉडी को किसी होस्ट से चिपकने का हेल्प करता है, ठीक है, चिपकने में, अटैच होने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं हम एसिटाबुलम, ठीक है, और नीचे की तरफ एक्सक्रेटरी पोर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, शेप एंड साइज में फेसियोला हेपेटिका हैज ए थिन, ठीक है, ये पतला होता है, उसके बाद ये डोर्सी वेंट्रली होता है एंड फ्लैटेड होता है, ठीक है, फ्लैटेनिड, और उसके बाद ये लीफ शेप का होता है, एक तरह से पत्ती के समान, जैसे कोई पत्ती होती है, लीफ होती है, उस तरीके से होता है, और इलोंगेटेड एंड ओवल बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा ओवल होती है, ठीक है, एंड इट मीजर अबाउट 24 to 30 millimeter, इसका जो व्यास होता है, इसके व्यास को जब हमने मीजर किया तो वो लगभग 24 से 30 millimeter लेंथ में होता है, एंड 4 to 12 millimeter इन ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी की बात करते हैं, बॉडी जो है इसकी सॉफ्ट होती है, ठीक है, एक तरह से, और भी इसकी अगर अच्छी तरह से और इसको स्टडी करें तो ये इसकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है, मस्कुलर होती है, लीफ लाइक होती है, लेंथ अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 1.8 टू 3 सेंटीमीटर का इसको होता है, ठीक है। कलर में अगर हम इसको देखें तो ये बीच से थोड़ा पिंकिश होता है, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ब्राउनिश, और किनारे किनारे पर ब्लैकिश होता है, थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, तो पिंकिश, पिंक, ब्राउन और ब्लैक कलर का एक मिक्सचर की तरह दिखाई देता है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं शकर्स के बारे में। मैंने आपको बताया इसमें दो तरीके के चूसक, जिसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में शकर्स बोला जाता है, ये दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला वाला ये, इसीलिए इसको बोलेंगे हम डाई शकर्स, ठीक है, द्विचूसकीय, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विचूसकीय, मतलब कि डाई शकर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी फूड को सक करते हैं, उसमें ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, ब्लड को सकिंग करने का कार्य करते हैं। इसके जो ओरल सकर्स, ओरल सकर्स मतलब इसका माउथ का जो सकर्स होता है, जिससे ये माउथ से फूड को सक करता है, और दूसरा होता है एसिटाबुलम, ये सक करने का कार्य नहीं करता, इसमें कोई पोर भी प्रेजेंट नहीं होता, बट इसको हम ये जो है बॉडी से चिपकने का हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से टू सकर्स प्रेजेंट, नंबर फर्स्ट इज ओरल सकर्स, जो कि फूड को शक करने का कार्य करता है, और उसके बाद आप देखें इसमें वेंट्रल सकर्स एक होता है, वेंट्रल साइड में आपको दिखाई देगा एक वेंट्रल सकर्स होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो होता है वो लगभग 1.6 मिलीमीटर व्यास का होता है, कितना इसका व्यास होगा, 1.6 मिलीमीटर व्यास का होता है, और इसमें कोई भी पोर प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी छिद्र प्रेजेंट नहीं होता, और मतलब कि ये जो है बाहरी से ही एक एसिटाबुलम स्ट्रक्चर, जिसका अंदर किसी भी ऑर्गन से अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है, जबकि हम ओरल की बात कर रहे थे, ओरल सकर्स की, तो इसका इंटरनल ऑर्गन से अटैचमेंट होता है, बट ये एसिटाबुलम जो होता है इसका इंटरनल ऑर्गन से अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। ये नीचे की तरफ आप देखेंगे एस्केरेटरी पोर्स,
अब ये क्या कर क्या, इसका हेल्प क्या करता है, ये किसका, इसका काम क्या है, ये बॉडी को अटैच किसी होस्ट से, जैसे ये किसी होस्ट पर अटैक करता है तो उसमें होस्ट पर अटैच करने में, चिपकने में हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये बात थी सकर्स के बारे में। और नंबर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें पोर, ठीक है, पोर को हिंदी में बोला जाता है छिद्र। अब इसमें पोर कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट ओरल पोर, ठीक है, ये जो ओरल माउथ जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे ओरल पोर, ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। नंबर सेकंड आता है गोनोपोर, ये जो इसको हम बोले जाते हैं जो जस्ट माउथ के नीचे या फिर आप कह सकते हैं एसिटाबुलम के जस्ट ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये छिद्र, इसको बोलते हैं हम गोनोपोर, ठीक है। और एक होता है लास्ट में एक्सक्रेटरी पोर, जिसमें ये अपना जो है एक्सक्रेटरी मटेरियल जो है वो वेस्ट मटेरियल उसको त्यागता है, ठीक है, उसको यहाँ पर बाहर निकालता है। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाले को एक्सक्रेटरी पोर बोलते हैं। और ये ऊपर वाला माउथ ओरल सकल्स, और ये इसको बोलते हैं हम हेड लोब, और ये गोनोपोर, ये है एसिटाबुलम। तो ये है इसकी कंप्लीट बॉडी के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पर आप, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया इसका लेंथ एंड ये किस शेप का, लीफ शेप का होता है, बॉडी थोड़ी इसकी पतली होती है, फ्लैटेंडेड होती है और सॉफ्ट होती है, मस्कुलर होती है, लीफ होती है, और सेंटीमीटर में हमने व्यास देखा, हमने इसका सेंटीमीटर में भी इसको मेजर किया और मिलीमीटर में भी मेजर किया। इसके सकर्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उसके बाद हमने पोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये था इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और ये आपको एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता तो पूरा बोर्ड एक्सप्लेनेशन से भर सकता था इसको, मैं अच्छी इस तरह से ये इट इज ये इट इज ये इट इज ये इट इज ये करके पूरा बोर्ड भर सकता था, बट इसमें ये काम मेरा नहीं, ये काम आपका है, ठीक है। आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है कि ताकि हम एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। सो गाइस फटाफट इसको नोट करेंगे, अब हम और हेडिंग डालेंगे। ये तो था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अब आपको हेडिंग डालना है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो प्यारे दोस्तों हेडिंग डालना है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो इसका जिसके बॉडी वाल का डायग्राम लिया गया है इसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी जो बॉडी वाल का डायग्राम लिया गया है उसको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बॉडी वाल को लिया गया है इसमें हम देखते हैं किस किस तरह के सेल्स या क्यूटिकल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देखोगे सबसे जो इसका आउटर लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे इसका आउटर लेयर, ये क्यूटिकल्स का बना होता है, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे आपको ये जो दिखाई दे रही है सर्कुलर, इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखाई दे, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ओब्लिक्यू मसल्स। तो तीन चार प्रकार की मसल्स भी हैं और ये है क्यूटिकल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे क्यूटिकल सेक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इसको बोलेंगे हम क्यूटिकल सेक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स। और ये होता है जो आपको ब्लू ब्लू कलर का जो डॉट 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 आपको जो एक जाले के समान दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम मेसेनकाइम। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बॉडी वाल जिसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बॉडी वाल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसका जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, इसका जो आउटर लेयर होता है वो बना होता है स्क्लेरियो प्रोटीन्स का, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरियो प्रोटीन। इसका जो आउटर लेयर होता है वो स्क्लेरियो प्रोटीन का बना होता है और विच हैव मेनी स्पिन्यूल्स, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे स्पिन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्पिन्यूल्स, ये है स्पिन्यूल्स। तो हमने क्या देखा, इसका जो आउटर लेयर है जो वो स्क्लेरियो प्रोटीन्स का बना होता है जिसमें बहुत सारे विच हैव मेनी स्पिन्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं सब क्यूटिकुलर मसल्स लेयर जो होती है इसमें वो थ्री लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर्स एंड डायगोनल मसल लेयर्स, तीन प्रकार की सब ये जिसका सब क्यूटिकल मसल लेयर्स होती है वो थ्री लेयर्स में डिवाइड होती है। उसके बाद आप इसमें देखोगे पैरेन्काइमा एंड मेसेन्काइमा, बॉडी का जो बीच वाला जो स्थान होता है, ठीक है, खाली स्थान जो इनके बीच मिडिल पार्ट के अंदर आपको वहां पर दिखाई, वहां पर पैरेन्काइमा सेल्स बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इनके बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स। तो यहां पर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है द बॉडी वॉल ऑफ फेसियोला हेपेटिका लैक्स ए सेलुलर लेयर, ठीक है। इसमें सेलुलर लेयर की कमी होती है एंड और ऑफ इपिडर्मिस, इसकी इपिडर्मिस में सेलुलर लेयर की कमी होती है। एंड हाउ एवर इट कंसिस्ट ऑफ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, इसमें जो है एक मोटी सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल बाय थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नीचे की तरफ आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगा एंड अंडरलाइंग मसल लेयर सराउंडिंग बाय द मेसेनकाइमा। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो द लोवेस्ट लेयर ऑफ क्यूटिकल इज
इज ए थिन, इसका जो क्यूटिकल का इससे नीचे वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला लेयर क्या कहलाएगा, ये क्यूटिकल लेयर है जिसके ऊपर स्पिन्यूल्स लगे हुए हैं, लेकिन जस्ट इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से राउंड 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 इस तरह से गया हुआ है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि थिन होता है, थोड़ा पतला होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसमें सर्कुलर मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये ओब्लिक्यू मसल्स है, और ये क्यूटिकल सेक्रेटिंग मेसेनकाइमा मसल्स है, और ये मेसेनकाइमा, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल, इसका डायग्राम है। ये लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से बॉडी वॉल का जो ट्रांसवर्स टीएस सेक्शंस होता है उसको हमने लिया है। तो एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से आपको, एक्सप्लेनिंग पॉइंट, ये आपको एक्सप्लेनिंग पॉइंट है, देखिए आप एक्सप्लेन किसी भी तरीके से करें, आपको पॉइंट चाहिए होता है, जैसे आउटर लेयर जो होता है वो बना होता है स्क्लेरियो प्रोटीन का, जिसमें बहुत सारे स्पिन्यूल्स होते हैं, और इसमें सब क्यूटिकुलर मसल्स लेयर्स जो होती है वो थ्री लेयर्स की बनी होती है। नंबर फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये सर्कुलर मसल्स है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम सब क्यूटिकुलर मसल लेयर, क्योंकि क्यूटिकल लेयर के जस्ट नीचे की तरफ पाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है क्यूटिकल लेयर, उसके नीचे क्या है सब क्यूटिकल मसल लेयर, जो कि बना होता है सर्कुलर, सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे सर्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ग्रीन ग्रीन वाला जो पोर्शन है उसको बोलोगे आप सर्कुलर मसल्स, उसके जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके बाद ऑब्लिक्यू मसल्स, क्यूटिकुलर स्क्लेरियो मेसेनकाइमल सेल्स, उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये थ्री लेयर्स का बना होता है, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो यहां से लेके यहां तक के पूरा पोर्शन है इसको, ये जो थ्री लेयर्स का बना होता है इसी को बोलते हैं हम सब क्यूटिकुलर मसल लेयर्स, और उन थ्री लेयर्स का नाम लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड डायगोनल मसल लेयर्स, ठीक है। और इसके बाद आपको सब कुछ पैरेन्काइमा एंड मेसेनकाइमा आपको दिखाई देगा, बॉडी के मिडिल पार्ट में जाएंगे तो वहां पर फिल होता है पैरेन्काइमा सेल्स होता है। तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इसको फटाफट नोट करेंगे। सो गाइज इंटरनल स्ट्रक्चर में अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से यहाँ पर देखेंगे इस तरह का डायग्राम। हम देखते हैं इसके डायग्राम में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने जब स्टडी किया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा आवर्धन क्षमता वाला होता है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी तरह से इस डायग्राम को, किसी भी डायग्राम को बहुत ही डीपली स्टडी कर सकते हैं इसकी बेस पर, ठीक है। तो इसमें हमने अब क्या देखा कि जो क्यूटिकल है उसके अंदर जो है मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट की एक थिक लेयर होती है, ठीक है, मोटी सी लेयर होती है जो कि मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट कहलाती है, और जिसके अंदर आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स, वेसिकल्स, वेहिकल्स, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं और स्पिन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो पोर और स्पिन्यूल्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जस्ट इसके साइड में आपको दिखाई दे रहा है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, और मेसेनकाइमा जस्ट उसके नीचे की तरफ आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इधर की साइड आपको दिख रहा होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ न्यूक्लियर पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो इसके अंदर जो सेल्स थे उन सेल्स के अंदर ऑर्गन्स भी हमको दिखाई दिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस भी हमको दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसकी बॉडी लेयर्स के अंदर और भी कुछ, जैसे कि इसकी स्टार्टिंग में जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तब हमको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा था, इसकी मसल्स दिखाई दे रही थी, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और क्यूटिकल का एक लेयर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया तब हमको इसके अंदर के जो सेल ऑर्गन्स है वो भी दिखाई देने लग गए। यही इसीलिए हमें यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प की यहाँ पर सहायता ली, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर इसके सेल्स के अंदर क्या है। तो क्यूटिकल के अंदर क्या था, मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस हमें प्रेजेंट है और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हुआ, मतलब जीवद्रव्य, और एक थिक लेयर दिखाई दी हमें, एक मोटी सी लेयर ऊपर वाली हमको दिखाई दी, उस जिसके अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स, वेहिकल्स, ये सब प्रेजेंट दिखाई दिए, ठीक है। ऊपर की तरफ आप उस समय आप देख पा रहे हैं इसमें पोर्स प्रेजेंट है एंड स्पिन्यूल्स प्रेजेंट है, और जस्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मेसेनकाइमा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।